नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत निधि से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अभी जो हैं तरु मित्रा आश्रम में हैं, दीघा राजधानी पटना में, और मिलते हैं यहाँ के तरु मित्रा के जो हैं वरिष्ठ संस्थापक और पर्यावरण मित्र, वृक्षों के मित्र। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है फादर टोनी पेंडानाथ जी, तो यहाँ पर परिमित्र आश्रम का निदेशक हूँ, 3 साल से यहाँ पर है। और परिमित्र आश्रम इसका मतलब है कि बायो डाइवर्सिटी है, जैविक विविधता, अलग अलग टाइप का प्रजाति वाला पेड़ पौधे यहाँ पर पाया जाता है। हम लोग रोपते हैं, कलेक्शन करते हैं, और ख़ास करके जो विलुप्त होने वाला है, जिसकी संख्या घटते रहता है कोई भी कारण से, उसी को और उसका सीड कलेक्शन करते हैं, फिर नर्सरी में शुरू करते हैं। और दूसरा है कि तरुतर आश्रम बहुत लोग आते हैं, एक तरह का नया सोच है कि प्रकृति से प्रेम करें, क्योंकि धरती सबका की माँ है और हम लोगों का सब कुछ इस धरती और पृथ्वी से मिलता है, और उसकी सेवा करना, उसका संरक्षण करना, आगे भी पीढ़ी के लिए इसको बचाव करना हम लोगों का सबका फर्ज है और सबका ड्यूटी है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, इधर करीब 400 स्पीशीज का पेड़ पौधे इधर है, छोटे से लेकर बड़ा तक, उसमें मतलब हर्ब है और आपका झाड़ या बुश टाइप का है, फिर ट्रीस या वृक्ष है, तो सबको मिला के करीब 400 स्पीशीज से कुछ महत्वपूर्ण वाला है, सुंदरता के लिए हो सकता है, और बहुत सारा है कि उसका कुछ जड़ी बूटी में काम आता है कोई बीमारी का इलाज के रूप में। और सर्वोपरि ये है कि इसमें जब पेड़ पौधे हैं, साल भर में फूल है, साल भर में कुछ कुछ फल है, जैसे चिड़िया बहुत है और बहुत सारे जानवर इसमें बहुत है, और कोई माइग्रेटरी बर्ड से लेकर जो इंडिजिनस अपना देश वाला पाने वाला सब इसको वो लोग पाया जाता है, और जो भी इधर आते हैं लोग उसका प्रकृति का आनंद जरूर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सबको प्रकृति का प्रेम हो और धरती की सेवा करें, और आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग हरियाली बनाते रहेंगे, और सबको शुभकामना। धन्यवाद। और यह तरु मित्र जो है राजधानी पटना के लिए बहुत ही अच्छा केंद्र है, जहाँ की बच्चे आकर के यहाँ प्रकृति से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ पेड़ पौधों से भी दोस्ती कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे हैं सब पर नाम भी लिखा हुआ है, वो पेड़ पौधों से उनका परिचय भी होगा, दोस्ती भी होगा, और साथ ही साथ पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी सीखेंगे। और सभी का यहाँ तरु मित्र आश्रम में स्वागत है, बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, आए यहाँ पर्यावरण से अपना नाता जोड़ें और पर्यावरण को बचाएँ और धरती को हरा भरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और आप अपने मिशन में कामयाब हो, धरती को हरा भरा बनाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत निधि पटना बिहार। नमस्कार।